एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारे वहाँ कलश यात्रा, जो मतलब मंदिर में होती है जब भागवत होता है, उससे पहले दिन कलश यात्रा होती है, जिसमें हम लोग मटकी लेके जाते हैं, बाग से जाके हम पानी लेके आते हैं मटकी में, और उसके बाद सब औरतें जाती हैं बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के और इस तरह से पिछौड़ा पहन के। तो अभी आपको आज मैं दिखाती हूँ कलश यात्रा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारी औरतें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, सब साड़ी वाड़ी पहन के, पिछौड़ा उछौड़ा पहन के। और ये मामी देखो, हमारे पास कलश है, ये ग्रीन कलर के, हमने इसमें पत्ते लगाए हुए हैं। इसके बाद अभी हम जाएंगे पानी लेने के लिए बहुत दूर, कहाँ से 4-5 किलोमीटर, फिर आएंगे वापस और व्यास जी के पास इसे रखेंगे मटकी को, और फिर होगी भागवत स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं कलश यात्रा में, ये सब लोग हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हम लोग जा रहे हैं इस तरह से कलश यात्रा में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो उनकी मम्मी भी आई है हमारे साथ और अभी विमला मेरी फ्रेंड है, वो भी गई हुई है कहीं पे, उसको पता नहीं क्या। अब लड़कियों का तो ऐसे ही रहता है, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी ये लाना है, मांग टीका लाना है, कभी पिन लानी है, तो ऐसे ही चलते रहता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम लोग जा रहे हैं बस में, ये सुमित की मम्मी, मैं और विमला, तो हम बस में बैठे हुए हैं। बस से हम लोग जाएंगे रानीबाग, वहाँ से हम पानी भर के अपनी मटकी में लेकर आएंगे। और हमारी गजरी, हाँ हमारी गजरी, और मेरा जी फोटो खींचने के लिए। यहाँ से आराम तो देखो, हम पहुँच चुके हैं रानीबाग पे। रानीबाग का देख सकते हैं पानी, और बहुत सारी औरतें देखो हमारे साथ, कितना सारे लोग हैं। और ये हमारा कलश है, अभी हम यहाँ से पानी भरकर वापस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हम लोग आए, और मैं मेहरा जी को फोटोग्राफर भी लेके आई हूँ अपने साथ। बिल्कुल देखो, इम्पोर्टेड फोटोग्राफर है, हमने इसे अभी अभी, बहुत मजा आ रहा है, अभी अभी सारी औरतों की फोटो खींच रहा हूं मैं। वाह, सब इनसे कहने में लगी है, इधर आओ इधर आओ, मेरी खींच लो खींच लो खींच लो। मैंने इनसे बोला चलोगे, तो पहले बोल रहे नहीं, लेकिन हाँ आ जाता हूँ। मैंने कहा बड़ी जल्दी खुश हो गए, इसीलिए खुश हो गए तुम। सही तो यार, सब लोग की फोटो खींच दे रहे हो, और मेरी भी खींच दो फिर, सबकी खींच रही है। तो ये जिया रानी का घाघरा है, इसमें पानी डालना है, और बहुत ही फेमस मंदिर है रानीबाग का। यहाँ पर एक रानी थी जिया रानी, उनका कहा जाता है कि जब वो भाग रही थी तो उनका घाघरा यहीं पर, देखो उनके घाघरे का शेप में पत्थर बना हुआ है। तो सब लोग इसमें पानी डाल रहे हैं और फिर राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं भी जाती हूँ उसके। ये है शनिदेव का मंदिर रानीबाग का। तो सब लोग जो भी अपनी विश मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, शनिदेव सब पर कृपा करेंगे, सबका भला करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। ये हम विमला जी, और ये बाकी सब औरतें, ये आ रही है बब्बी। बब्बी कैसा लग रहा है फिर तुम्हें आज पहली बार आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ना। हाँ। मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, अगली बार कब आएगा हमें मौका। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम है ना, बहुत ज्यादा मजा। पानी भर के शिवजी मंदिर पे चढ़ाया, जिया रानी के घाघरे पे चढ़ाया, सच में बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए, और मतलब इसी तरह हम हर साल आते रहे, भगवान हमें ऐसे बुलाते रहे, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं वो किस्मत की होती है कि जब हमें आना होता है तो हम आ ही जाते हैं ना। फर्स्ट टाइम आ ही गए, विमला ने मुझे बोला कि चलते हैं, तो फिर विमला की वजह से मैं आ गई हूँ। विमला तो खुद ही आ गई तो अब हम वापस जा रहे हैं पानी लेकर, बहुत सारी मतलब आशीर्वाद लेकर भगवानों का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वापस जा रहे हैं, देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, तो ये सब लोग हमारे साथ हैं, तो चलते हैं आगे को। ये देखो, ये देखो कितने सारे लोग हैं। ये देखो सुमित की मम्मी, ये है देखो गोल्डी की मम्मी। अब हम सबको सब बच्चों के नाम से जानते हैं ना, वो बस सब जा रहे हैं हम लोग। ये है अपने अपने।
है मंगलो। ये देखिए अब हम लोग सब पानी भर के ले आए हैं, अब यहाँ रख देंगे सारे व्यास जी के आसन पे इन्हें रख देंगे, सब लेके आ चुके हैं। अभी आ जाए हम भी चले जाते हैं। आज नवरात्रि थी तो व्रत था, पूजा वूजा हो गई, खाना वाना हो चुका है, और दिन में मैं गई थी भागवत में कलश यात्रा में, तो अभी शाम हो चुकी है, रात के 8 बज गए। तो मेहरा जी आज जा रहे हैं दिल्ली, तो मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन। ये आ गया देखो मेहरा जी, अरे हम दोनों येल्लो येल्लो हो रखे हैं, डेटी फैलो। तो अब मैं मेहरा जी को छोड़ने के लिए आ चुकी हूँ रेलवे स्टेशन, तो मेहरा जी तो टिकट वाले हैं और मैं फोकट वाली हूँ। दूसरी टिकट तेरे पास? अरे हाँ मेरे पास एक प्लेटफॉर्म टिकट है, 10 रुपये का मैंने खरीदा है, तो मैं देखो मेहरा जी का बैग भी लेकर दिखा देती हूँ, तो मारेंगे नहीं रहे, देख रहे हो बीवी छोड़ने वो भी बैग ले छोड़ने आ रही है, क्या जमाना सोना है। तो मेहरा जी का जो डब्बा है वो S6 है, ये तो तेरा प्लेटफॉर्म टिकट है, S6 है, मतलब मेहरा जी नॉन एसी स्लीपर से जा रहे हैं, ये बता दिया हमने, नहीं मिला यार एसी का। हाँ एसी टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैडम मेहरा जी को स्लीपर से जाना पड़ रहा है। तो मेहरा जी कैसा लग रहा है तुम्हें छोड़ के जाने में? अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा बुरा लग रहा है यार, मुझे रोना आ रहा है, कैंसिल कर दो जाना। नहीं नहीं मीटिंग है भैया, एक पूजा कैसे होगी, खाना कैसे खाया जाएगा, नौकरी नहीं करोगे तो पढ़ लोगे घर में। चलो फ्रेंड मिलते हैं, मेहरा जी को ड्रॉप करती हूँ मैं, फिर 2 दिन के लिए जा रहे हैं दिल्ली, तब तक मेरे ब्लॉग आएंगे, पर मैं मेहरा जी को बहुत मिस करूँगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरे ब्लॉग के क्या बोलते हैं जान आ निशान तो कुछ ये भी नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं, तो मेहरा जी जा रहे हैं, मैं उन्हें बाय करी, बेटा मैं कुछ भागती हूँ, मेहरा जी चले गए हैं, मैंने बाय